अस्सलाम वालेकुम। के चैप्टर में आपका खुश आमदी। मेरा नाम अब्दुल रजाक। मेरा नाम आमिर मुनीर। मेरा नाम मोहम्मद हफीज। जैसे कि आप जानते हैं जो करते हैं हम कैप्चर उन्हें कहते हैं थ्री चैप्टर्स। बिल्कुल सही है। बैक विद अ न्यू वीडियो। ओह माय गॉड। और आजकल आपको पता है रील्स का बहुत ज्यादा ट्रेंड है जी। बनती इंडिया में है, देखता देखते पूरी दुनिया इनको। यार पाकिस्तान में भी लाओ कर दे। ये जो स्टार्स हैं इनका तो फिर पूरी दुनिया वर्ल्ड वाइड इनका नेम है। रिसेंटली हमें बहुत ज्यादा कमेंट्स आए थे जन्नत के, अवनीत के, तो हमने इन दोनों को एक ही वीडियो में इकट्ठे कंबाइन कर दिया। जन्नत ज़ुबैर वीएस अवनीत और न्यू रील्स और इंस्टाग्राम। मतलब यार देखो ना दोनों एक एक मतलब के जनरल से ज्यादा कर चुकी है और अवनीत भी शायद ज्यादा कर चुकी है। मिलियन ईयर गर्ल्स मतलब के अब दोनों मतलब अपने इंडस्ट्री में हाथ रख चुकी हैं और दोनों के सॉन्ग्स आ चुके हैं। और मैं कहता हूं शी इज अ मिलियन ईयर गर्ल। हां उनके मिलियन में सब्सक्राइबर्स जो हैं फॉलोअर्स हैं। तो आई थिंक एक ड्रामा भी था। हां अलादीन ड्रामा किया उन्होंने। वो जी यार एक लड़का तुमने देखा होगा इंडिया का अशोका आता था एक ड्रामा हाँ उसके साथ इसने अलादीन किया। अलादीन ड्रामा ये मुझे पता बट वो अपना गाना कर चुकी है टोनी कक्कर के साथ। दोनों ये के साथ सरेगामा के साथ लहजा भी थोड़ी देर पहले आया और मतलब कि दोनों एक बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग पर है और दोनों ही मिलियंस में है इस टाइम। और अमीर का तो बहुत ज्यादा क्रश है आजकल लोगों के ऊपर। बहुत ज्यादा क्रेज है और वो बहुत मतलब कि उसमें कॉन्फिडेंस बहुत है लड़की में। और अवनीत की डांसिंग स्किल्स टिकटॉक के टाइम से ऊपर आई है। और अवनीत की डांसिंग स्किल्स भी मैंने सुना बहुत अच्छी है यार। क्योंकि गाना भी उनका टोनी कक्कर के साथ आया हुआ है तो देखते हैं इसमें इन्होंने कितना मतलब कि इसको डिफरेंस दिखाया है। टोनी कक्कर तो बहुत अच्छे हैं जैसे कि आप सब जानते हैं। चला तो सब्सक्राइब भी किया या सब्सक्राइब कर लाइक और शेयर कर इन सब। देखो ना जनरल बहुत भाई के साथ ये तो मम्मी में भी आ गया बाकी थ्री नहीं करते सब क्रेज है। ये शिनाज़ ही देखो ना चंगे लगते छोटे बाल रखे आकर मेरा तो ही तू तो है तू अपना ख्याल रखे आकर तो बहुत बड़ी बात है। और ये चीज़ जो दिखाते हैं ही चंगे लगते छोटे बाल रखे आकर मेरा तो ही तू तो है तू अपना ख्याल रखे आकर गाने सेम सेम बोल रहे हैं। मेरी जवानी को कह दे की तो खोल दूंगा अम्ब्रेला नाच मेरी लैला लैला नाच मेरी लैला। सब रील्स में टिकटॉक है ना सब ये रील्स है जी रील्स है। काफी ने इम्प्रूव किया था जन्नत ने वहाँ से काफी इम्प्रूव किया। कपास तो आओ गले लगाना है सही सैड देखी है।
उसके चेंज था लगा और इसके मशीन पर गाना एक ही है, गाना एक ही है। आई थिंक ये हम नीट 15 सेकंड से ज्यादा ही बनाती है वीडियो। हां कर दस मैला तेरा मुंह चाहिए दे मैनु जुत्तियां दी लोड़नी, तू चाहिए दे मैनु गुच्चियां दी लोड़नी, तू चाहिए दे मैनु जुत्ती। कर दस मैला तेरा चाहिए दे मैनु जुत्ती। इसका गाना भी सुना रहा था अरे आसपास चॉकलेट गाना। बहुत अच्छी वीडियो थी। मुझे रियाज ने अपनी बहुत इंप्रूव किया है, अपनीत ने अपने आप को एक्सप्रेशंस में भी उसने, बट मुझे सीरियसली अपने मतलब के पर्सनली पूछो ना, मुझे जन्नत बहुत मतलब कि उससे ज़्यादा अच्छी लगती है। हाँ से बात है, हाँ जन्नत अच्छी है लेकिन उम्मीद भी किसी से कम नहीं, नहीं। और उसका स्टाइल बहुत अच्छा है, एडिटिंग बहुत अच्छा है वो छोड़ो, बट जन्नत की मतलब कि बहुत क्यूटनेस है, क्यूटनेस है ये कह सकते हैं। और अनवीत ने बहुत छोटी उम्र में बहुत मतलब हाँ बड़ी एज वाला है। और देखा जाए तो जिसने ये वीडियो लगाई है वो टोनी कक्कर का बहुत बड़ा फैन था, तो सारी टोनी कक्कर देखिए देखें आप अगर मतलब कि इंडिया में यार टोनी कक्कर का बहुत क्रेज है, फिर आप जो मर्जी कहो कि आपको उनके यार दरअसल ना टोनी कक्कर देता है बेस तो इसलिए चल रहे हैं। मैं एक अच्छी बात कहने लगा था, देखें टोनी कक्कर को जो लोग सुनते हैं मैं उनसे एक बात कहना चाहता हूँ कि मुझे लगता है जिंदगी में कुछ और नहीं सुनते, बकवास करने का मुझे पता है अभी से हम और कुछ तक टोनी कक्कर के लिए मेरे लिए जुबान पे मीठे अल्फाज ही हैं, और रियाज भी अगर वीडियो में आ जाए तो मेरे पास बहुत फैन फॉलोइंग है रियाज की। एक टाइम था रियाज कट कर गया था फैसू जब बैन थे, पूरी टीम इनकी जब बैन थी कोई इशू हुआ था, बट उसके बाद फैसू ने कम बैक किया। हमारे पास भी एक रियाज है कि जिसने एक बात ईंटों की बड़ी बात की थी जो मैंने अमित को बताया यार, मुझे लगता है इसने वो हरकत कर ली। अगर आप ये रिएक्शन देखते रहेंगे अगर आप ये रिएक्शन देखते रहेंगे तो आपका फेस की बोंगियां तोड़ते रहेंगे। टॉपिक पे आते हैं, हम आप सोचें कि यहाँ पे इसको कितना कंट्रोल करके मैं ऑन स्क्रीन को बिठाया था, बैक स्क्रीन ऑफ स्क्रीन तो हमारी बहुत बुरी हालत हुई थी। रियाज और टोनी कक्कर आपको कभी हम वाइन के बिहाइंड द सीन कभी ऐसा होगा मैं और हमें चुपके से इसकी वीडियो बनाकर आपको दिखाएंगे, सही वाली दिखाएंगे, दिखाएंगे कि हमारा कितना दिमाग आता है। सो बाकी ये था कि बहुत अच्छा उसने किया उसे कंपेयर, और बड़ा मुश्किल होता है उनके सेम सेम गानों को सेम सेम कंबाइन करना, और मतलब कि कुछ गाने ऐसे होते हैं जो ट्रेंडिंग होते हैं इस पे सब भी बनाते हैं हम भी बनाते हैं। देखा जाए तो ये अवनीत ने हर वीडियो जन्नत से लंबी चला नहीं गया, मतलब कि वो एक ज्यादा उसको पसंद होगा सॉन्ग वगैरह करना, और या फिर स्लो मोशन की वजह से शायद वो गाना ज्यादा पसंद। मेरे मुझे लग रहा है ना ये अनवीत जो है ये थोड़ी देर तक बॉलीवुड के किसी आइटम सॉन्ग में आ जाएगी, आ जाएगी, हां आ जाएगी, मतलब इसमें काफी कॉन्फिडेंस है और काफी उसको इंप्रूव कर रही है, जैसे डांस स्किल्स उसकी बढ़ती जा रही है ना तो हो जाएगी। पर ये है कि जन्नत भी एक बहुत अच्छी एक्टर, जन्नत की एक्टिंग बहुत अच्छी है, जन्नत एक प्योर एक्टिंग करती है और मतलब ज़्यादा ओवर नहीं है ये है वो है, अभी भी ओवर नहीं है पर क्यूटनेस की वजह से वो और प्यारा लगती है उसमें, और मतलब कि जन्नत से ज़्यादा कॉन्फिडेंस आई थिंक सो, बट बिकॉज वो एक ड्रामा कर चुकी है, फैन फॉलोइंग दोनों की बहुत है, दोनों बहुत ज़्यादा फेमस हैं, सो जितने इनके मिलियन है फॉलोअर उस हिसाब से इस वीडियो पे व्यू तो उतना ही बनता है जी। बट हम इतनी ज़्यादा आपसे तोको नहीं करते, आप हमें ज़्यादा थोड़ा कम ही प्यार देते हैं, पर दे दें जरूर जाने से पहले सब्सक्राइब किया करो चैनल को, इट्स हम्बल रिक्वेस्ट, और कमेंट करके बताया करें कि आपको जी। और एक दुख भरी स्टोरी, मेरे 813 में से 810 रह गए इंस्टाग्राम पे, इंस्टाग्राम फॉलो कर लो यार, फॉलो करें इन दोनों को, मुझे फॉलो करें इंस्टाग्राम पे, मैंने सोचा था यूट्यूब पे आएंगे इंस्टाग्राम, ये तो बनने की जगह गिरते जा रहे हैं क्या है। आप टोनी कक्कर के गानों पे बनाए आप भी नहीं है बिल्कुल ऐसा भी हो सकता है, टोनी कक्कर की जितनी फैन फॉलोइंग है, जिसने ज्यादा सब्सक्राइब नहीं किया यार सब्सक्राइब करो, बेल आइकन क्लिक करो, लाइक और शेयर करो, इंस्टा पे फॉलो करो टोनी कक्कर से दूर।